मैं आया था वृंदावन बरसाने की होली खोलने, और वहां से वंशीवट में गुरुजी से मेरी बात हुई और मैं वंशीवट आया, और यहाँ पर अभी मैं पूजन करके निकला हूँ तो हनुमान जी की आप प्रतिमा देख रहे हैं सामने, और यहाँ पर श्याम तलैया पे वंशीवट, और यहाँ पर हम एक संत मिले हैं जो कि इन्होंने हमें बहुत प्यारी सुरीली बांसुरी बजाकर हमें मधुमुक्त कर दिया, और ऐसे संत के आप भी दर्शन करिए। और मैं अब पूछता हूँ संत जी से, महाराज जी कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पर? वैसे तो हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी से हमारी तो जन्म जन्म की प्रीत है जी, तो यहाँ ठाकुर जी ने वास दिया है, देखो बंसीवट में अपने सरों में जी, क्योंकि ये तो जगह ठाकुर जी की सबसे प्रिय जगह रही है जी जी। और भागवत कथा में इसका वर्णन आता है, रासलीला पंचाध्यायी जी जी। तो इस जगह का तो बड़े बड़े जो भी संत महात्मा और गुरुजन है इस जगह के जी, महात्मा बताया है ठाकुर जी की सबसे प्रिय जगह है बंसीवट, और उस ठाकुर जी की जो सबसे प्रिय अंतरतम जिसको लीला कहा है कि ठाकुर जी ने तो हजारों लीलाएं की है जी, लेकिन सबसे जो प्रिय लीला थी उनकी वो महारास लीला थी जी, और वही महारास लीला यहाँ पर संपन्न की ठाकुर जी ने। और उस महारास लीला में कहते हैं कि सभी देवी देवता लोग यहाँ पर महारास लीला में सम्मिलित हुए थे। उसमें शिव जी और पार्वती जी भी थे जी, लेकिन शिव जी और पार्वती के सिवाय भी बहुत थे जिनका यहाँ पर नित्य निवास जी तब से लेकर है, और उसमें से एक नारद जी हैं जी, एक हनुमान जी हैं जी, और एक गर्गाचार्य जी है जी। इन और ये शिव जी है जी, इनका यहाँ पर नित्य निवास है बंसीवट में जी, ऐसी शास्त्रों में उल्लेख है। यहाँ पर जो बरगद का वट वृक्ष लगा है जी, मैंने भी वहाँ पे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से मैंने भी कहा कि मुझे भी कानों में कुछ सुनाई दे, तो मुझे भी ढोलक की आवाज, मजीरे की ऐसी आवाज, मुझे भी झनकार सुनाई दी, बड़ी अनुभूति होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सत्य है कि यहाँ पर देखिए, ये जैसे हम लोगों की, इंसानों की याददाश्त होती है जी जी, वैसे पशु पक्षी पेड़ पौधों की भी याददाश्त होती है जी, है ना। विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि ये भी जीवित है जी, ये भी जिंदा रहते हैं, और पशु पक्षी और ये पेड़ पौधों पे तो आजकल संगीत से भी बहुत सारे जी प्रयोग किए जा रहे हैं कि संगीत की क्या असर होता है पेड़ पौधों पे, है ना जी। तो जो पेड़ पौधों पे अच्छा शास्त्रीय संगीत सुनाया जाता है जिन पेड़ पौधों को जी, उन पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसमें फल फूल जो होते हैं वो भी अच्छी ग्रोथ होती है उसकी जी। और जिन पेड़ पौधों के आगे मतलब एक घोंघाट है, इस तरह की आवाज जो पॉल्यूशन वाली होती है, इस तरह की आवाज उनके पास बजाई गई और वो पौधों की ग्रोथ बहुत कम हुई जी। तो इससे साबित होता है कि संगीत और ये सब पौधे भी समझते हैं जी, है ना, उनकी भी याददाश्त होती है जी। और वट वृक्ष जो है, वट वृक्ष हमारे जो होता है ना, वो एक ऐसा वृक्ष है जो जिसको अमर वृक्ष कहते हैं जी। वट वृक्ष की अमरता का राज क्या है कि वो जब अपनी लताएं पताएं जो होती है, वो लताएं पताएं जमीन में गड़ जाती है, फिर उसी में से वृक्ष पैदा हो जाता है जी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसके बीज कहीं गिरेंगे तो जी वट वृक्ष हो जाएगा, वो तो अपनी लताओं पताओं में से फिर वट वृक्ष बन जाता है, मतलब उसका कोई नाश नहीं है, ये अक्षय वृक्ष है। तो ये जो 5000 साल पहले से बहुत पुराना वट वृक्ष है जी, तो इसकी भी अपनी यादें हैं। तो जो ठाकुर जी ने महारास लीला की थी जी, उसमें जो भी वाद्य यंत्र बजे थे, जैसे ढोलक है, बांसुरी है,
झांझ पखा जी जो भी है उसमें से कई लोगों को कई सारी आवाज आती है ना, श्रद्धालुओं को तो ये आती है, जरूर आती है। तो लेकिन क्या है ना, अब कुछ लोगों को नहीं भी आती है, सबको तो आती वो ऐसा नहीं है जी। तो एक समझने की बात है, अब जो जैसा मन लेके हाँ, जिसका भाव है उसको सुनाई देगी जी जी। और ये भी है कि अब 5,500 साल हो गए तो उसकी आवाज में भी थोड़ा वो तो होता ही है जी, जी, है ना जी। और एकदम ध्यान, अब कई लोग आते हैं सीधा क्या करते हैं, वट वृक्ष पे आके सीधा सा कान लगा देते हैं, ऐसे उसकी भी एक जी सिस्टम है कि भाई एक कान बंद करो, दूसरे कान से बहुत रिलैक्स होके सुनोगे तब आएगी आवाज। और चारों तरफ और भी बहुत सारी आवाजें पहले से ही चल रही है, कहीं टेप बज रहा है, कहीं रिक्शा की पोंपा चल रही है, और फिर वो सुनने जाएगा ऐसे ही तो नहीं आएगी ना। तो इसके लिए बहुत रिलैक्स और बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। तो आती है, जरूर आती है आवाज, हमने भी सुनी है। तो ये तो ठाकुर जी की महाराष्ट्र। अब आप तो यहाँ पर हैं तो प्रभु की आप तो लीलाएं देखते होंगे यहाँ पर। जी जी जी, लीलाएं नित्य लीलाएं प्रभु की चल रही है। और आज भी ठाकुर जी के जो मोर होते हैं यहाँ पर, उन्हीं के वंशज है ना ये, जिन मोरों को ठाकुर जी ने खिलाया पिलाया और जिनके साथ खेले, ये वटवृक्ष भी उन्हीं के वंशज है। और ये वटवृक्ष भी वही है, वही जंगल है और वही मोर है सब। तो ये तो सब ठाकुर जी की लीला आज भी चलती है। और आज भी मोर नाचते रहते हैं, हम भी बांसुरी बजाते हैं तो कई बार नाचते हैं मोर जी जी। तो क्या नाम है महाराज जी आपका? जी हमारा छोटा सा नाम गुरु जी का दिया हुआ है, चंद्र मोहन दास। चंद्र मोहन दास जी, जी। और यहीं रहते हैं बंसीवट में, निवास है हमारा। और बंसीवट में सेवा अधिकारी हैं हम जी। मुख्य मंदिर पे जी जी। और हम सेवा पूजा भी मंदिर की करते हैं और आश्रम की भी सेवा पूजा करते हैं। पशु पक्षियों की गौशाला है बाजू में, गौशाला की भी सेवा करते हैं जी। और पशु पक्षियों की जो भी हमसे होता है वो जी जी। सेवा भाव से ही रहते हैं हम और सेवा करते हैं। तो रात को मुझे खाने के बाद दूध भी मिला था, तो यही गौशाला से जाता है दूध जी जी। अच्छा, थोड़ा सा बांसुरी बजा दीजिए थोड़ा जी। जरूर जरूर, थोड़ा हम भी दुनिया को दिखाएं कि वृंदावन में भी ऐसे संत हैं जो बढ़िया, वारी वारी से देखिए कितनी मुरली रखी है गुरु जी के पास, और गुरु जी ने दिन में वारी वारी से जैसे कृष्ण धुन में ले चलेंगे हैं वैसे ही इनकी बंसी जो है बजने लगती है। थोड़ा म्यूजिक के साथ सुनाया जाए जी जी, है ना, तो और आनंद आएगा। मतलब ये तो thank you.
राधे 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 राधे। बहुत सुरीली आवाज गुरु जी, राधे 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 राधे। जय हो बंसीवाल बिहारी।